सोमवार को सुबह दैनिक मंत्रोच्चारण के साथ हनुमान जी की विधिवत पूजा अर्चना आरती श्रद्धालुओं के द्वारा की गई। उसके बाद भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें श्रद्धालु भगवा रंग के कपड़े पहनकर शामिल रहे। वे हाथ में भगवा ध्वज लेकर हनुमान जी, श्री राम जी, सीता जी के नारे लगाते हुए नजर आए। खानपुर क्षेत्र के गाधारोना के सिद्धपीठ हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा महाआरती के बाद भव्य शोभा यात्रा मंदिर से गांव के गली मोहल्ले से होकर हुए मंदिर प्रांगण में पहुंची। राजी बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर हमारे यहाँ की है। वह परंपरा चलती आ रही है सदियों से, मंदिर से चलती है, पूरे गांव में घूमती है। या कोई प्यार में हम अपने जी से धूमधाम से मनाते हैं एक त्यौहार के रूप में। जाके 500-600 आदमी में इसमें 50,000 के करीब आदमी आ जाता है इस पर। हाँ जी, पूरा गांव नाच गाँव का सब बढ़िया खुशियाँ से मनाते हैं। जी कल का क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा? कल का प्रोग्राम आज रात जागरण, कल भंडारा होगा। लाखों की तादाद में आदमी आता है जी। हाँ जी, दूर दूर से आते हैं। आदमी क्या व्यवस्था रहेगी कल? ये मैनीपुर से दूसरा नंबर है जी, ग्राम का दोरोना का। यहाँ सिद्धपीठ श्री हनुमान बालाजी का मंदिर है और जो सन 83 से यहाँ पर लगातार शोभा यात्रा और कल 23 तारीख को जैसे प्रोग्राम होगा, स्टेज प्रोग्राम, वो हमेशा से लगातार कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हमारे गांव के प्रधान जी बैठे हुए हैं साथ में। तो इन सब का, हमारे भाई साहब कुआ खेड़े से हैं, इन सबका बहुत सहयोग है। संजय भाई साहब हैं, बहुत सहयोग है इन सब लोगों का। पूरा गांव साथ देता है इसमें। पूरे गांव की ये एक ऐसी सिद्धपीठ जगह है जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आपका पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, रुड़की, हरिद्वार, आसपास के सारा गाँव का क्षेत्र, अक्सर सबका आता है और श्रद्धालु यहाँ पर लगभग 5,000 के आसपास आज शोभा यात्रा में रहे होंगे। और इसके अलावा कल जो भजन कीर्तन का प्रोग्राम होगा उसमें भी लगभग 50,000 से लेकर 1,00,000 के बीच में आदमी आने की संभावना है। कल आपके श्रद्धालु आपके मंदिर में दर्शन करने बालाजी के आएंगे, क्या व्यवस्था रहेगी मंदिर प्रशासन की? श्रद्धालु अपने वाहन से आएंगे तो सबसे पहले जहां मंदिर की रोड शुरू होती है वहां पर पार्किंग की व्यवस्था है, तो सभी अपने व्हीकल वहां पार्क करेंगे। उसके बाद वहां से लाइन लगेगी जिसमें बलियों की व्यवस्था कुछ हो गई, कुछ होनी है आज, और ऊपर सीलिंग लगवा दी, नीचे कारपेट बिछवा दिया जाएगा शाम तक, ताकि लोगों को ऊपर धूप ना लगे और नीचे कालीन भी, मतलब पैर गर्म ना हो उनके। तो लगभग 2-3 घंटे में एक श्रद्धालु का नंबर आता है, इतनी लंबी भीड़ होने की संभावना है। और जिसमें 17-18 भंडारों की व्यवस्था रखी गई है, जो कुछ मंदिर के कैंपस के अंदर होंगे, कुछ मंदिर के कैंपस के बाहर होंगे, ताकि सब श्रद्धालुओं को भोजन की व्यवस्था भी मिल सके। मंदिर के सीसीटीवी करीब करीब 1 महीना हो गया चालू है,